नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 14 जिलों के डीएम समेत 24 आईएएस अफसर जाएंगे ट्रेनिंग में। बिहार के इस दो स्टेट हाईवे का निर्माण जून तक होगा पूरा। सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वाले को लेकर सरकार का ऐलान। बिहार बोर्ड व सीबीएसई के छात्र अलग अलग नंबर के भरेंगे फॉर्म। एसआरएच के स्टार खिलाड़ी हुए पूरे टूर्नामेंट से बाहर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 14 जिलों के डीएम समेत 24 आईएएस अफसर जाएंगे ट्रेनिंग में। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि 22 मई 2023 से 16 जून 2023 तक बिहार के 14 जिलों के डीएम समेत 2013, 2014 और 2015 बैच के 24 आईएएस अफसर अपनी अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण 3 की ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 14 जिलों के डीएम अपनी ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं उनमें किशनगंज, सारण, भागलपुर, रोहतास, नवादा, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, वैशाली, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, छपरा, सीतामढ़ी, कैमूर और शेखपुरा के डीएम के नाम शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाई जाती है जिसे हर सिविल सर्विस ऑफिसर को जानना जरूरी होता है। बिहार के इस दो स्टेट हाईवे का निर्माण जून तक होगा पूरा। जल्द ही बिहार के लोगों को दो स्टेट हाईवे मिलने वाला है। दरअसल बिहार की बहुप्रशिक्षित योजनाओं में से एक बीटा दनियावा एसएच 78 का निर्माण मई महीने तक और रून्नी सैदपुर भिसवा एसएच 87 का निर्माण जून महीने तक पूरा होने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1915 करोड़ रुपए की लागत से 46.7 किलोमीटर लंबाई का बीटा दनियावा एसएच 78 के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य 2019 तक निर्धारित किया गया था, लेकिन कई तकनीकों की वजह से इसके निर्माण में विलंब हुआ। वहीं 67.48 किलोमीटर लंबाई का रून्नी सैदपुर भिसवा एसएच 87 का निर्माण 551 करोड़ रुपए की लागत से जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों को लेकर सरकार का ऐलान। बीते दिन मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी के द्वारा वैसे लोगों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है जो सड़क हादसे में घायलों की मदद करने का काम करते हैं। बता दें कि मंत्री के द्वारा किए गए घोषणा के तहत अगर अब कोई व्यक्ति सड़क हादसे में घायलों की मदद करते हैं तो उसे 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। परिवहन मंत्री शीला कुमारी के द्वारा कहा गया कि अगर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ससमय अस्पताल पहुंचा दिया जाए और ससमय उपचार मिल जाए तो उनके जान को बचाया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यकता है कि लोग घायल पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए। ऐसे में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा सम्मान राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। आनंद मोहन जेल से हुए रिहा। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को आज सुबह 4 बजे जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनी उन्होंने खुद को पैरोल पर बाहर आने के बाद सरेंडर किया था। वहीं उनके रिहाई को लेकर सारी कागजी प्रक्रिया बीती रात को ही पूरी कर ली गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले को लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मालूम हो कि आनंद मोहन की रिहाई होने से उनके परिवार में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि आनंद मोहन के साथ अन्य 27 लोगों की रिहाई को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है और बिहार सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई है। बिहार में पीएफआई मामले में सीबीआई 8 शहरों में कर रही ताबड़तोड़ छापेमारी। पीएफआई के ठिकानों को लेकर अब तक सीबीआई के द्वारा देश भर में 60 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी हो चुकी है जिसमें बिहार के भी 1 दर्जन जिले शामिल है। बता दें कि इस मामले को लेकर बीते दिन सीबीआई के द्वारा राज्य के 8 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई जिनमें सिवान, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण शामिल है। मालूम हो कि इस छापेमारी के दौरान आतंकी साजिश, कई संवेदनशील स्थानों की जानकारी एवं नक्शा के अलावा कई अन्य तरह की जानकारी सामने आई है। हालांकि डिजिटल उपकरणों में लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव समेत अन्य की समुचित जांच के बाद इसमें बंद कई अहम जानकारी एनआईए के हाथ लगने की संभावना जताई गई है। फल्गु नदी के बीच लगेगी भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति।
राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विष्णुपद में फल्गु नदी के बीच 65 फीट ऊंची विशाल ब्लैक स्टोन की भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा की स्थापना करवाई जाएगी, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह आकर्षण का केंद्र बन सके। बता दें कि इस प्रतिमा को स्थापित करने की तैयारी अच्छी चल रही है। मालूम हो कि फिलहाल इस मूर्ति का सांचा इंजीनियरों के द्वारा तैयार करके DM डॉक्टर त्यागराजन SM को भेज दिया गया है और साथ ही राज्य सरकार को अनुमानित बजट भी भेजा गया है। वहीं मूर्ति का काम राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने से के बाद पूरा कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतिमा को स्थापित करने की मांग पिछले साल हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत करने गया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने विष्णुपद मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा इस काम को पूरा करने का निर्देश जल संसाधन विभाग को दिया गया था। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 163 नए कोरोना मरीज। बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि बीते दिन 24 घंटे में राज्य में कोरोना के कुल 163 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 844 पर पहुंच गई है। वहीं राज्य में मिले इन 163 नए मरीज में से अकेले बिहार की राजधानी पटना से 82 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद राजधानी में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 477 पर पहुंच गई है। वहीं पटना के अलावा भागलपुर में 59, पूर्णिया में 38 और खगड़िया में 41 एक्टिव केस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बीते दिन कुल 46,000 सैंपलों की जांच की गई है। वहीं अगर हम देश में कोरोना मरीजों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कुल 9,355 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 57,410 हो गई है। NIT पटना शुरू करेगा 3 नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। बिहार की राजधानी पटना में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा PG और रिसर्च वर्क पर जोर देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि इस पहल के तहत NIT पटना के द्वारा पटना के बीटा स्थित नए कैंपस में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत की जा रही है, जो कि 3 अलग अलग फील्ड में होगी। इसको लेकर NIT पटना के निदेशक प्रोफेसर PK जैन के द्वारा बताया गया है कि NIT पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसका निर्णय हॉल ऑफ सीनेट की बैठक में लिया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रिसर्च कार्य के लिए कुछ प्रोजेक्ट बाहर से भी लाए जाएंगे और फिर आगे चलकर MTech की शुरुआत की जाएगी। गया से लखनऊ और वाराणसी का सफर हुआ आसान। अब बिहार से लखनऊ और वाराणसी जाने वाले लोगों का सफर आसान होने वाला है। दरअसल बिहार के गया से लखनऊ और वाराणसी जाने के लिए लोगों को सीधी रेल सेवा मिलेगी, क्योंकि रेलवे के द्वारा एकात्मा एक्सप्रेस का गया तक विस्तार कर दिया गया है, जो कि पहले PDDU से खुलकर लखनऊ जाती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से गया, औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम व भभुआ रोड के यात्रियों को भी काफी लाभ मिलेगा। वहीं अगर अब इस ट्रेन के समय सारणी की बात करें तो हाजीपुर के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह परिचालन विस्तार लखनऊ से 27 अप्रैल यानी कि आज से और गया से 28 अप्रैल से प्रभावी होगा। बिहार बोर्ड व CBSE के छात्र अलग अलग नंबर के भरेंगे फॉर्म। अगर आप भी मैट्रिक पास कर चुके हैं और अब इंटर में एडमिशन लेने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब इंटर में एडमिशन लेने के लिए बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले छात्र, CBSE से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले छात्र और ICSE के अलावा अन्य किसी भी बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले छात्र के आवेदन फॉर्म अलग अलग होंगे, जिसके तहत बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले छात्र 5 और 7 नंबर का आवेदन फॉर्म भरेंगे। वहीं CBSE, ICSE या अन्य बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले छात्र 6 और 8 नंबर के फॉर्म भरेंगे। अगर ऐसे में छात्रों के द्वारा गलत नंबर वाले फॉर्म भर दिए जाते हैं तो उनके आवेदन को रद्द किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को आवेदन फॉर्म की कई जानकारी ऑनलाइन ही ले ली जाएगी, जबकि अन्य बोर्ड के छात्रों को आवेदन फॉर्म में सारी जानकारी देनी होगी। यही कारण है कि बोर्ड की ओर से अलग अलग आवेदन फॉर्म रखा गया है। सजा पूरी कर बाहर आए आनंद मोहन, चीफ सेक्रेटरी। बिहार के पूर्व बाहुबली और सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के द्वारा सभी चीजों पर सरकार का पक्ष रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसी को कोई भी छूट नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो भी आपत्तियां जताई जा रही हैं उसकी गुंजाइश ही नहीं बनती है। जो भी नियम था उसमें कहीं भी IAS को लेकर कुछ भी निर्देश नहीं दिया गया है, बल्कि जो भी बदलाव किए गए हैं वो लोक सेवक को लेकर किया गया है और लोक सेवक एक छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक होते हैं। इसलिए अगर IAS के द्वारा इसका विरोध जताया जा रहा है तो वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की सजा को पूरा कर चुके हैं और यही वजह है कि उन्हें छोड़ा गया है, न कि उन्हें कोई राहत दी गई है। नीतीश से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने की लालू यादव से मुलाकात।
एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले विपक्षी एकता को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे, वहीं आज अखिलेश यादव भी दिल्ली में सांसद मिश्रा भारती के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद अखिलेश यादव के द्वारा अपने ट्विटर से शेयर करके दी गई है। उन्होंने अपनी मुलाकात की फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि आदरणीय लालू जी से एक कुशल छह मुलाकात। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू यादव और अखिलेश यादव के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव के द्वारा लालू यादव की सेहत की जानकारी ली गई और विपक्षी गठबंधन को लेकर भी चर्चा की गई। हालांकि अखिलेश यादव की ओर से लालू यादव से मुलाकात के बाद मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई है। आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी का बयान आया सामने। आज गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में जेल की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार के द्वारा किए गए फैसले पर और उनकी रिहाई पर जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी के द्वारा आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जो यह फैसला लिया गया है उसके खिलाफ वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करेंगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के इस फैसले से अधिकारियों का मनोबल टूटेगा और उन्हें काम करने में मन नहीं लगेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है और कहा है कि अगर आनंद मोहन चुनाव में खड़े होते हैं तो उन्हें वोट ना दे, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत आनंद मोहन को रिहाई दी गई है। वहीं उनकी बेटी का कहना है कि वे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर काफी दुख हैं। नीतीश सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। SRH के स्टार खिलाड़ी हुए पूरे टूर्नामेंट से बाहर। देश में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। SRH ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है, हालांकि उनके रिप्लेसमेंट को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वाशिंगटन सुंदर हैदराबाद की टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके बाहर जाने से टीम को भारी नुकसान हुआ है। SRH के स्टार ऑलराउंडर ने अब तक IPL में कुल 58 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 36 विकेट लेने के अलावा 378 रन भी बनाए हैं। वाशिंगटन की खास बात यह है कि वो पावर प्ले और बीच के ओवरों में गेंदबाजी कर सकते हैं, साथ ही वो बड़े बड़े हिट भी लगा सकते हैं। वो क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के बेहद अहम खिलाड़ी हैं। उनका बाहर होना हैदराबाद की टीम के लिए बड़ा झटका है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, कृष्ण कुमार यादव, उमेश सिसदेव, सचिन कुमार, नवीन कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद सकीर हुसैन, विपिन शाह, मोटू रंगीला, रंजीत मिश्रा, अजीत पोरस, नौशद राजा, शंकर मुखिया, कन्हैया कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सड़क हादसे को कम करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।